मापन में त्रुटि, एरर्स इन मेजरमेंट, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता मापन में त्रुटि कहलाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर बार किसी राशि के मापन में अनिश्चितता हो। जब किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में अंतर हो तो हम मापन में त्रुटि कहते हैं। मापन में आई त्रुटियों को मुख्यतः दो प्रकार की त्रुटियों में बांटते हैं। मापन में त्रुटि, पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। कुछ लोग सकल त्रुटि को भी त्रुटि में गिनते हैं, पर मुख्य रूप से दो ही त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टेमेटिक एरर, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि रेंडम एरर। क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार, पहला यंत्रीय त्रुटि, यंत्र की बनावट के कारण, यंत्र के उपयोगकर्ता की प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि, तीसरा अपूर्णता त्रुटि, चौथा बाह्य कारण। यादृच्छिक त्रुटि का प्रकार अल्पतमांक त्रुटि। आइए देखते हैं अपन यंत्रीय त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि यंत्र के बनावट के कारण होती है। पहला शून्यांक त्रुटि, कुछ यंत्रों में दो पैमाने होते हैं, यदि दोनों पैमानों का शून्य संपाती न हो तो होने वाली त्रुटि शून्यांक त्रुटि कहलाती है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबद्ध होती है, जैसे किसी छोटे गुटके की लंबाई मीटर पैमाने से नापे तो वह दशमलव के एक अंक तक नापेगा, किंतु उसे वर्नियर कैलिपर से नापे तो वह दशमलव के दो स्थान तक नापेगा। नियत त्रुटि, किसी यंत्र में पैमाने का अंशांकन सही न हो या उसके किनारे घिसे हो तो उसके मापन में जो त्रुटि होती है उसे नियत त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा प्रकार, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। यदि किसी यंत्र का उपयोग या उसकी विधि में गलती कर ली जाए तो मापन में त्रुटि होती है, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर का ताप नापने हेतु ताप मापी को बगल में लगाकर ताप नापें तो यह ताप उसके वास्तविक ताप से सदैव कम होगा, और उसी व्यक्ति के जीभ के नीचे ताप मापी रखकर ताप नापें तो उसका ताप अलग आएगा। ऐसी त्रुटिपूर्ण तरीका अपनाने के कारण भी त्रुटि होती है। बाह्य कारण से त्रुटि, वातावरण के ताप, दाब, वायु प्रवाह, आर्द्रता आदि में परिवर्तन के कारण मापन में त्रुटि हो जाती है, जैसे अनुनाद नली से ध्वनि का वेग ज्ञात करते समय कमरे का ताप ध्वनि के वेग को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत त्रुटि, ये त्रुटियां उपयोगकर्ता के पूर्वाग्रह, उपकरण के समंजन में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय उपयोगकर्ता की असावधानी आदि के कारण होती है, जैसे कोई उपयोगकर्ता मीटर में लगे संकेतक का पाठ पढ़ते समय अपनी आंख को ठीक ऊर्ध्वाधर तक ऊपर न रखकर बाएं या दाएं रखे तो उसके कारण होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। दूसरा यादृच्छिक त्रुटि, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक अलग अलग आए। ये त्रुटियां प्रायोगिक व्यवस्थाओं में होने वाली यादृच्छिक तथा अनुमेय उतार चढ़ाव के कारण या पाठ्यांक लेते समय उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होती है। दूसरा अल्पतमांक त्रुटि, जिसको हमने पहले बताया। अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटि को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा अपेक्षिक त्रुटि, तीसरा प्रतिशत त्रुटि। ए निरपेक्ष त्रुटि, यह त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा
प्रेक्षित या प्रायोगिक मान के अंतर का परिमाण होती है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर मापांक वास्तविक मान ऋण प्रायोगिक मान। यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान का सही ज्ञान न हो तो उसके प्रेषित मानों का समानांतर माध्य ही उसका वास्तविक मान होगा। यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा गया तथा उसके प्रेषित मान a1, a2, a3, a4 डैश 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 an है तो उसका वास्तविक मान a माध्य बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश डैश AN बटे N। अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर मापांक A1 माइनस A माध्य, डेल्टा A2 बराबर मापांक A2 माइनस A माध्य, डैश 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 डेल्टा AN बराबर मापांक AN माइनस A माध्य, डेल्टा A औसत बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डैश 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 डेल्टा AN बटे N, अर्थात A बराबर A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य, अर्थात भौतिक राशि का मान A माध्य प्लस डेल्टा A माध्य और A माध्य ऋण डेल्टा A माध्य के बीच होगा। दूसरा, अपेक्षित त्रुटि किसी मापित राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का अनुपात अपेक्षित त्रुटि कहलाता है। अपेक्षित त्रुटि बराबर डेल्टा ए बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान बराबर मापांक वास्तविक मान ऋण प्रेषित मान बटे वास्तविक मान बराबर डेल्टा ए माध्य बटे ए माध्य। तीसरा, प्रतिशत त्रुटि जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसके लिए अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुना कर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर अपेक्षित त्रुटि गुणित 100 बराबर मापांक वास्तविक मान ऋण प्रेषित मान बटे वास्तविक मान गुणित 100 बराबर डेल्टा ए माध्य बटे ए माध्य गुणित 100 प्रतिशत में। प्रश्न, सरल लोलक के दोलन काल के प्रयोग में प्राप्त 5 प्रेक्षणों में दोलन काल क्रमशः 2.71 सेकंड, 2.63 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.56 सेकंड और 2.80 सेकंड प्राप्त हुआ। इस प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि अपेक्षित त्रुटि वह प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। दिया है लोलक का दोलन काल T1 इक्वल टू 2.71 सेकंड, ये S उसका मात्रक है सेकंड, 5 मत समझिएगा। T2 इक्वल टू 2.63 S, T3 इक्वल टू 2.42 S, T4 इक्वल टू 2.56 X, T5 इक्वल टू 2.80 S। औसत दोलन काल कैपिटल टी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। कैपिटल टी इक्वल टू 2.71, 2.63 प्लस 2.42 प्लस 2.56 प्लस 2.80 सेकंड डिवाइडेड बाय 5। इन सब का अपन सम करेंगे, सम करने पर आ जाएगा 13.12 सेकंड अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.624 सेकंड। अब देखिए जब
जोड़ने की क्रिया की जा रही है, तो इसमें जो भी राशि दी हुई है दशमलव के दो अंक तक दी हुई है, अतः हम इसका राउंड अप करेंगे और ये हो जाएगा 2.62s, क्योंकि सभी समय काल दशमलव के बाद दो स्थान तक नापे हैं। आप इसको दो अंक भी लिख सकते हैं, दो अंक तक नापे हैं, इसलिए औसत दोलन काल भी दशमलव के दो अंक तक लिखना उचित होगा। अब अपन मापन में निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तो सबसे पहले T1 की त्रुटि निकालेंगे, जिसको हम डेल्टा T1 कहेंगे, इज इक्वल टू माप T1 माइनस T, इक्वल टू मॉड 2.71 माइनस 2.62 एस इक्वल टू 0.09 एस। इसी तरह टी टू के नापन में निकालेंगे, डेल्टा टी टू इक्वल टू मॉड टी टू माइनस टी मॉड 2.63 माइनस 2.62, ये आपका हो जाएगा 0.01 एस। डेल्टा टी थ्री निकालेंगे, मॉड टी थ्री माइनस टी, तो टी थ्री की वैल्यू है 2.42 माइनस 2.60 इक्वल टू 0.20 एस। उसी तरह डेल्टा टी फोर निकालेंगे, टी फोर माइनस टी इक्वल टू मॉड 2.56 माइनस 2.62 इक्वल टू 0.06 एस। डेल्टा टी फाइव निकालेंगे, मॉड टी फाइव माइनस टी इक्वल टू मॉड 2.80 माइनस 2.62 इक्वल टू 0.18 एस। डेल्टा टी माध्य बराबर 0.09 प्लस 0.01 प्लस 0.20 प्लस 0.06 प्लस 0.18 यूनिट सेकंड डिवाइडेड बाई 5। तो डेल्टा टी माध्य बराबर 0.54 अपॉन 5 सेकंड इक्वल टू 0.108 सेकंड या 0.11 सेकंड, क्योंकि ये सब दशमलव के दो अंक तक है, इसको भी हमने दशमलव के दो अंक तक लिया। चूंकि समस्त त्रुटियों में अधिकांशतः
एक ही सार्थक अंक है। देखिए 0.09 में एक सार्थक अंक है, 0.01 में एक सार्थक अंक है, 0.20 में एक सार्थक अंक है, 0.06 में एक सार्थक अंक है, केवल 0.18 में दो सार्थक अंक है, इसलिए हम इसको एक सार्थक अंक तक लेंगे, एक ही सार्थक अंक लेंगे। इसलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर 0.1s। अपने को दूसरा निकालना है इसमें आपेक्षिक त्रुटि। तो आप सभी जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र, माध्य निरपेक्ष त्रुटि भागे वास्तविक मान। तो देखिए हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि था 0.1s सेकंड, वास्तविक मान है हमारा 2.62 सेकंड। दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे 0.1 upon 2.62 इक्वल टू 0.04198 इक्वल टू 0.04, क्योंकि इस उत्तर में भी हमारे को एक सार्थक अंक तक लिखना है। देखिए उत्तर इतना जरूर आ रहा है पर चूंकि हम देख रहे हैं इसमें एक सार्थक अंक तक लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको एक सार्थक अंक निकालेंगे। अगला आता है प्रतिशत त्रुटि। तो जब आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुना कर दिया जाता है तो वह प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। तो हमारी आपेक्षिक त्रुटि थी 0.04 × 100, तो आपका आ जाएगा बच्चों 4%। तो इस तरह आपने देखा हमारी निरपेक्ष त्रुटि निकली 0.01 सेकंड, आपेक्षिक त्रुटि हमारी निकली 0.04 और जो आपका प्रतिशत त्रुटि निकला वह 4%।